डॉक्टर रवि, अब बच्चों के वैक्सीनेशन कोविशील्ड भी जैसा कि आप बता रहे हैं कि वो ट्रायल में है और मुमकिन है कि इसके जो नतीजे होंगे वो कहीं ना कहीं सफल होंगे, लेकिन कितना इंतजार अभी हमें और करना पड़ सकता है बच्चों की वैक्सीन के लिए? देखिए, जो कोवैक्सीन के ट्रायल्स अभी शुरू हुए हैं, आमतौर पर ट्रायल्स कम से कम 3 से 4 महीने लेते हैं, डिफरेंट फेजेस होते हैं, फेज 1, फेज 2, फेज 3। मेरा मानना यह है कि जो भी वैक्सीन को बाहर मान्यता मिल गई है बच्चों के यूज के लिए, जैसे फाइजर को मिल गई है 12 से 18 साल के बीच में, और मॉडर्ना को संभवतः और मेरे ख्याल से हफ्ते के अंदर मिल जाएगी, तो जो भी वैक्सीन को मान्यता मिल गई है उसको तो हम इंपोर्ट करके बच्चों को वैक्सीन लगानी शुरू कर दें, क्योंकि संभवतः अगर हमारे यहाँ पर 4 से 5 महीने के बाद में थर्ड वेव आ गई तो हमारे बच्चे वल्नरेबल रहेंगे। तो सारे बच्चे वल्नरेबल ना रहे तो इसमें बेस्ट तो यही है कि जो रेडी वैक्सीन अवेलेबल उनको इंपोर्ट करके हम बच्चों में लगा दें, नंबर एक। और नंबर दो, जो हमारे ट्रायल्स हैं कोवैक्सीन के तो शुरू हो गए हैं, मैं समझता हूँ कि कोविशील्ड के भी अब शुरू हो जाने चाहिए और सरकार को जल्दी से उनको भी परमिशन दे देनी चाहिए, अलाउ कर देना चाहिए कि वो भी अपना ये सब कर लें। तो अगर ये सारी चीजें होती हैं तो फिर इसके अंदर काफी अच्छे से ये सब कुछ वैक्सीन जो है हम इसमें लगा सकते हैं। ठीक है डॉक्टर रवि मलिक, कोवैक्सीन के ट्रायल अगर सफल होते हैं तो ये कितना बड़ा गेम चेंजर हो सकते हैं, क्योंकि तीसरी लहर में जो ज्यादातर रिसर्च सामने आ रही है वो यही कह रही है कि बच्चों के लिए खतरा बड़ा है। हाँ, कोवैक्सीन के जो ट्रायल्स हो रहे हैं वो देखिए, अगर 3-4 महीने के अंदर हमारे पास आ जाती है तो फिर डेफिनेटली बच्चों के लिए एकदम से एक पूरी वैक्सीन का जखीरा खुल जाएगा जो कि हम बच्चों को वैक्सीनेट कर देंगे। लेकिन मेरा मानना यही है कि उसके ट्रायल्स को आने में भी थोड़ा टाइम लगेगा, तो जितनी रेडी वैक्सीन है वो तो हम वैक्सीनेट करना शुरू करें, एंड इन द मीन टाइम ट्रायल्स आ जाएंगे, ट्रायल्स की रिपोर्ट आएगी तो बच्चों को देना शुरू कर देंगे। कोविशील्ड के अभी तक ट्रायल शुरू नहीं हुए हैं भारत में, वो भी अभी शुरू हो जाने चाहिए, ताकि कोवैक्सीन और कोविशील्ड दोनों के ट्रायल्स जब साइमल्टेनियसली आ जाएंगे तो जो भी वैक्सीन अवेलेबल होगी वो हम बच्चों में लगानी शुरू कर देंगे। तो वैक्सीन के ऊपर, बच्चों के ऊपर अब तवज्जो देनी बड़ी जरूरी है, क्योंकि वायरस भी समय के साथ में थोड़ा थोड़ा स्मार्ट होता जा रहा है, और संभवतः जब थर्ड वेव आएगी तो हो सकता है कि वो बच्चों के ऊपर ज्यादा इफेक्ट करे, क्योंकि बच्चे हमारे वल्नरेबल होंगे। संभवतः तब तक हमारे जो एडल्ट्स हैं वो सबकी तो काफियों की वैक्सीन हो जाएगी, लेकिन बच्चों की शायद वैक्सीनेशन नहीं हो पाएगी तब तक पूरे रूप से। तो बच्चों की अगर वैक्सीनेशन नहीं होगी तो वायरस उसी तरफ मुड़ेगा जहां पर की वल्नरेबल पॉपुलेशन है, वायरस और कहीं नहीं जाएगा, वो केवल उसी को ही अटैक करेगा कि जो भी वल्नरेबल पॉपुलेशन है, और मोस्टली वो बच्चों की पॉपुलेशन है जिसकी तरफ की वो जाके अटैक करेगा। ठीक है डॉक्टर रवि, हम बच्चों के लिए अभी फिलहाल ये नहीं कह सकते कि वैक्सीनेशन एक हथियार है, क्योंकि वयस्कों में हमने ये कहा और ये समझा भी कि वैक्सीनेशन एक बहुत बड़ा हथियार है कोरोना से लड़ने का, तो फिर बच्चों के मामले में इसे कैसे समझे, क्या है फिलहाल हमारे पास हथियार अपने बच्चों को बचाने के लिए? देखो, बच्चों को बचाने के लिए तो हमारे पास देखिए वही हथियार है कि अभी बच्चों को हमारे को संभाल के रखना है, जैसे सरकार ने भी इनकी परीक्षाएं भी रद्द कर दी हैं, 12वीं की 10वीं की, स्कूल अभी नहीं खुल रहे हैं, बच्चों को सुपर स्प्रेडर इवेंट्स में हमें नहीं ले जाना, बाहर नहीं निकालना, प्रोटेक्शन में रखना है, मास्क का इस्तेमाल कर सकते हैं, इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स कहती है 2 साल के ऊपर के बच्चे को मास्क लगा सकते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग रखेंगे, हैंड हाइजीन रखेंगे, और बच्चों को अभी फिलहाल हमारे को घर में ही रखना पड़ेगा, एजुकेट करना पड़ेगा, जब तक कि बच्चों की पूरी वैक्सीन नहीं लग जाए, जब तक कि इनके शरीर के अंदर पूरी इम्यूनिटी ना बन जाए तब तक ये बच्चे सब यहीं पे रहेंगे। और सबसे बड़ी एक और भी चीज है जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट आपको बताना चाहूंगा कि बच्चों के अंदर हमारे को ये भी खास ध्यान रखना है कि बच्चों के अंदर अगर हमारे पास कोरोना के सिम्टम आते हैं तो हमें वो भी ध्यान रखना है, क्योंकि बच्चों के अंदर MIS आजकल बहुत चल रहा है, जो कि जिसको हम मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम कह रहे हैं, तो पेरेंट्स को वो भी जागरूक होकर रखना बड़ा जरूरी है। अगर आपके बच्चे को कोविड डायग्नोज होता है, 90 से 95% तो उसे कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर कोविड डायग्नोज होता है और उसके बाद में बच्चे को शरीर में हाई फीवर आ जाए, रैशेज आ जाए, या हाथों पैरों में सूजन आनी शुरू हो जाए, या आंख लाल हो जाए, मुंह लाल हो जाए, तो पेरेंट्स को ये भी समझना बड़ा जरूरी है कि जानलेवा बीमारी हो सकती है जो केवल बच्चों में होती है, कोविड से रिलेटेड बड़ों में नहीं होती है। तो ये सारी जागरूकता हमें रखनी बड़ी जरूरी है, सबसे पहले तो उन्हें बचा के रखना है, और अगर बीमारी होती है तो इन लक्षणों का ध्यान रखना है, ताकि हम समय रहते डॉक्टर के पास पहुंच के जो है अपने बच्चों का बचाव कर सके। लेकिन मैं ये समझता हूं कि बच्चों की वैक्सीन के ऊपर सरकार को युद्ध स्तर के ऊपर, चूंकि सरकार ने काफी काम शुरू भी कर दिया है, लेकिन युद्ध स्तर पे काम होना चाहिए, चाहे उसमें हमें इंपोर्ट करनी पड़े, चाहे हमारे को और वैक्सीन प्लेयर्स को लाना पड़े, लेकिन वैक्सीन का विकल्प जिस तरह से हमने बड़ों को दिया है, इसी तरह का विकल्प जो है हमारे को बच्चों को भी देना बड़ा जरूरी है। और जब तक ये विकल्प नहीं आता,
तो हमारे सामने एक ही रास्ता है कि हम बच्चों को प्रिवेंटिव मेजर्स कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर में रखें। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, बच्चे इन्फेक्शन बड़ों से ही लेते हैं, तो बड़े भी अपनी वैक्सीनेशन को प्रॉपरली सब लगवा लें, जहां पर भी जो लगे। मैंने देखा अक्सर जो पेशेंट्स, क्योंकि मैं अपने यहाँ पे भी वैक्सीनेशन सेंटर चलाता हूँ, तो अक्सर पेशेंट, अच्छा ये वैक्सीन उपलब्ध नहीं तो हम वेट करेंगे उस वैक्सीन के लिए। आपको इन तीनों में से जो भी वैक्सीन की अपॉर्चुनिटी मिलती है आप इमीडिएटली उसको कीजिए, और करने के बाद में उस वैक्सीन को लगवाइए और अपनी प्रोटेक्शन आप कर लीजिए। ये आप जब प्रोटेक्शन करेंगे तो फिर इसमें कोई भी दिक्कत किसी किस्म की नहीं होगी, जो कि हमारे को कोई भी दिक्कत आए। यानी